मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तृतीय पाठ आप लोगों को मैं ये पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से समझाई भी थी और बोली थी आप लोगों को कि ये शब्दार्थ करने के लिए आज मैं एक दो क्वेश्चन आंसर करवा दे रही हूँ। पहले तो ये शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर पहले करवा रही हूँ। क्या है नींव निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो पहला है बानरह किम करोति, बानरा किम करोति, क्या है बानरा किम करोति। तो इसका उत्तर होगा बानरा नृत्यति, नृत्यति, क्या होगा बानरा नृत्यति। दूसरा क्या है गोपह किम करोति, उत्तर में है गोपाह दुग्धम दुहति। तीसरा है मयूरा की री सह अस्ति, की दृश अस्ति, उत्तर में है मयूरा सुंदरम सुंदर अस्ति। सुंदरा अस्ति एक घ में है कृष्ण किम करोति। तो कृष्ण क्षेत्रम कर सती, इसका क्षेत्रम कर सती। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग उस मैं आप लोगों को रीडिंग करवाई थी, ये आपके क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग सही से कर लीजिए कॉपी में, सुंदर सुंदर राइटिंग में करके और इसको लर्न कीजिएगा। क्या है मैं फिर से एक बार रीडिंग करके बता दे रही हूँ। बानरह किम करोति, तो बानरह नृत्यति। गोपा किम करोति, तो गोपा दुग्धम दुहति। मयूरा की दृश्य अस्ति, मयूरा सुंदर अस्ति। कृष्क किम करोति, तो कृष्क क्षेत्रम कर सति, यानी बानर क्या कर रहा है, तो बंदर नृत्य नाच रहा है। इसका मतलब हुआ कि गोपा किम करोति, यानी कि दूध वाला जो है वाला जो है क्या कर रहा है, वाला दूध निकाल रहा है। मयूर त्रिदृश्य, मयूर कैसा दिखता है, तो मयूर सुंदर अस्ति, यानी मयूर सुंदर है। कृष्ण किम करोति, कृष्ण का किसान जो है सो क्षेत्रम कर सती, यानी किसान क्या करता है, खेती करता है, क्या करता है, खेती करता है, खेत में काम करता है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर, ये आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी में करके इसको लर्न करेंगे। धन्यवाद।